गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टाबो। और मौसम ख़राब है यार आज थोड़ा यहाँ पे, और ठंड बहुत है। और निकल रहे हैं फटाफट काजावली साइड। रात को भी ठंड बहुत थी, रात को हो गया था -28 तक। एंड गाड़ी का देखते हैं अब क्या सीन बनता है, कोल्ड स्टार्ट करने लगे हैं इसको। तो भाई ये होगी अपनी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट, और इसके इंजन के अंदर से आवाजें आ रही हैं। अभी गर्म हो गया इंजन तो ठीक होगी ये। तो जी चेक करो सीन, ठंड का पानी जम गया पूरा बॉटल में, और इस टाइम भी टेम्परेचर होगा यहाँ पे -15-18 के पास। और रात को तो बहुत ठंड थी, रात को हो गया था टेम्परेचर अपना -30 तक। और अब धूप निकली है तो ये देखो निकल रहे हैं टाबो से, और ये लेफ्ट साइड पे था यार अपना होटल। बहुत ठंडी थी यार रात को, बहुत ठंड थी, -30 तक गया हुआ था टेम्परेचर। और अभी आप देखोगे मतलब कैसे गाड़ी स्टार्ट करी है अपनी, और बस यही सीन है। अभी भी है टेम्परेचर -10, बट अभी धूप लगी हुई है ना तो इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा। और निकल रहे हैं यहाँ से टाबो से, और लेफ्ट होंगे यहाँ से काजा के लिए। होप सो जैसी अभी तक अपनी ड्राइव गई है, बाबा जी अपना आशीर्वाद रखें अपने सिर पे, आगे भी ऐसे ही जाए अपना रूट। सामने चेक करो यार, ये कितने बढ़िया स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना, इसको बोलते हैं ठंड। नीचे रिवर भी जमी हुई है, और वाह यार ऊपर से जो पानी आ रहा है नाले से वो भी जमा हुआ है। वी आर इन काजा, और पेट्रोल पंप पे चल रहे हैं यार पहले। तो यार डीजल मिल गया अपने को काजा में, और एक्स्ट्रा ग्रीन है यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो जी हम जा रहे हैं। तो यार यहाँ पे आ गया था अपने को मम्मा का फोन घर से, और मैं बात करने लगा मम्मा से, जब फोन काटा तो मेरा माइक हो गया डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली, मुझे पता नहीं लगा भाई। और ये राइट साइड पे था अपना होटल काजा में, यहाँ पे बढ़िया 2-3 दिन बढ़िया हमने स्टे किया। हमने मतलब ऐसे भाई, मुझे यहाँ पे इस होटल की पार्किंग में मेरा बेस्ट मोमेंट जो हुआ है, मुझे मिले JS भैया, और उनके साथ थे भाई लोग उनके, सैम भैया, हर्षित भैया और इंद्र भैया। बट भाई JS भैया को मैंने अपने सामने खड़ा देखा, और उनके साथ मैंने इंटरेक्शन करी, बढ़िया भैया ने मुझे एज अ लिटिल ब्रदर ट्रीट किया। भाई मैं उनको 7-8 साल से रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, मतलब वो मेरे सामने खड़े थे। मिला यार मैं उनको एक रात पहले भी था टाबो में, बट वो जो रात को मैंने आपको थार दिखाई थी वो सैम भैया की थी, वो थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो उस चक्कर में खुद बिजी थे, तो मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। बट भाई यहाँ पे मैंने इतनी बातें गप्पे मारी उनके साथ, और ये सारा विंटर स्पीति ट्रिप मैंने उनके साथ कवर किया है, आप सब देखना। बट यार थैंक यू सो मच JS भैया, इंद्र भैया, सैम भैया, हर्षित भैया, आपने एज अ लिटिल ब्रदर मुझे ट्रीट किया, मज़ा आ गया यार। आप सब देखना आने वाली वीडियोस में, बहुत मज़ा आएगा। आप अब जा रहे हैं आगे काजा से कीबर वाली साइड। कीबर में यार एक तो मिनिस्ट्री है, की मिनिस्ट्री, एंड एक है चीचम ब्रिज, वो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कहते हैं उसको, एंड बढ़िया। फिर वापसी पे यहाँ पे एक है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वो भी देख के आएंगे, बढ़िया मजा बनाते हैं यहाँ पे। की मिनिस्ट्री पहुंचने वाले हैं, 3 किलोमीटर रह गया अपना, और ये टर्न है बहुत शार्प सा। चलो यहाँ से है की मिनिस्ट्री, क्या सीन बने हुए हैं यार, मजा आ गया।
वी आर एट की मोनेस्ट्री और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और यार मोनेस्ट्री बंद है इस टाइम बिकॉज बर्फ बहुत है यार, पर ये देखो ना बहुत ज़्यादा बर्फ है यार यहाँ पे। और ये मोनेस्ट्री है ऊपर, तो फिर चलते हैं यार यहीं से वापस चीचम ब्रिज वाली साइड। यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे अपना, वही हम उधर अपना टाइम यूटिलाइज कर लेंगे ना चीचम ब्रिज वाली साइड। बहुत मज़ा आ रहा है यार ऐसी प्लेसेस पे ना, डर के गाड़ी नहीं चलाओगी भाई अगर कोई ड्राइव कर रहा है। और गाड़ी देखो टिल्ट हो रही है लेफ्ट राइट उतरते हुए, और अगर यहाँ पे हम डर के गाड़ी चलाएंगे ना तो फिर एक तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा पूरा ही, और सेकंड फिर आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगे यार। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए हम हर टाइम, क्योंकि जैसे मैं, मेरा फर्स्ट टाइम है 4x4 के साथ, मुझे अभी समझ नहीं लग रहा कौन सा हाई लगेगा यहाँ पे लो लगेगा, बट ठीक है सीख रहे हैं कर रहे हैं, ये सब एक्सपीरियंसेस करके ही बंदा सीखता है यार। और ब्रेक लगाने का तो यहाँ पे आप सोच भी मत लेना, गियर छोटा कर लो गाड़ी के इंजन पे जोर चला जाए भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट गाड़ी अगर गलती से भी स्लिप हो गई ना नीचे उतरते टाइम तो बिल्कुल ही, तो आप सीधा भाई खाई में जाओगे बिल्कुल। और ये रास्ता जा रहा है सीधा अपना टुवर्ड्स चीचम ब्रिज। सो जी इसे कहते हैं जन्नत, और स्नोफॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी, एंड ये है भाई बर्फ अपने आसपास, बढ़िया मज़ेदार। वो देखो तो यार मतलब मजा आ गया यार इस बारी तो, स्नो देखनी थी और बहुत बढ़िया स्नो अपने को दिख गई, और बहुत बढ़िया अपना ट्रिप जा रहा है, बहुत बढ़िया अपना कंटेंट शूट हो रहा है। और ब्रिज रह गया, यहाँ पूछा था पीछे एक ड्राइवर था पीछे, तो वो बता रहे थे कि 1 किलोमीटर रह गया ब्रिज, और लेट्स सी ब्रिज देख के आते हैं यार। यहाँ तक तो आ ही गए हैं, वापस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं ना बनता, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती लाइफ में करने के लिए। अगर ठीक है थोड़ा टफ हो रहा है ज़रूर, सिचुएशन बहुत टफ हो रही है, बट करेंगे देख के आएंगे ब्रिज। अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा मैं ब्रिज को बाकी यार आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो अपने छोटे भाई को ऐसे बहुत सारे एडवेंचर करते रहेंगे हम। ब्रिज के लिए यार गलत ले लिया हमने रास्ता, ये नीचे से एक रास्ता कट रहा था वहां से जाना था, चलो कोई बात नहीं, ऊपर भी बढ़िया था बर्फ पड़ी हुई थी, बट गाड़ी मोड़नी थोड़ी मुश्किल हो गई थी। जी फाइनली वी आर एट चीचम ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड चीचम ब्रिज। अरे वाह,
का मजेदार भाई, कितनी हाइट पे है यार ये ब्रिज, मतलब वाह, जस्ट ओपी थिंग्स यार। निकल रहे हैं चीचम से वापस, और क्योंकि स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही है, वैसे तो स्नोफॉल का मजा लेने का दिल है, बट इस टाइम है हम बहुत ज्यादा हाइट पे, और अगर तो यहाँ पे स्नोफॉल शुरू होगी ना तो आगे जो रास्ता है अपना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो काम अपना, एंड क्योंकि फिर बर्फ पड़ेगी, ऑलरेडी बर्फ वहाँ पे पड़ी हुई है तो दिक्कत हो सकती है अपने को, इसलिए हमेशा की तरह वही बात है, एडवेंचर और बेवकूफ़ी में फ़र्क है भाई। बट जो हो गया यार ये भी बहुत बढ़िया था, मैंने सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया इतनी स्नो अपने को मिल जाएगी। तो यार गाड़ी फंस चुकी है अपनी स्नो में, और ये भैया हेल्प कर रहे हैं अपनी यार। पीछे आपने गलत जाके जगह पे डाल दी ना। सोलह पर स्पॉट हुआ है तो सारे बिजी है। सीन हो गया तो बड़ा तगड़ा, गाड़ी अपनी गई थी फंस, और यार लोकल्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है अपनी, और यार बहुत बुरी फंस गई थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा बुरी, और मैं बता भी नहीं सकता कैसे गाड़ी हमने निकाली है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे यार ये टैक्सी ड्राइवर्स अपने लिए। चलो जो था बढ़िया था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुछ सीखने को भी मिला है कि ये जो लकीरें हैं रास्ते में सामने, इन पे ही चलानी है गाड़ी, इधर उधर नहीं करनी। कर तो हम इधर उधर रहे भी नहीं थे, बट हो गया अपने आप ही। चलो नेवर दी लेस, सो फार सो गुड, जो था हो गया, अब निकल आए, अब नीचे चलते हैं अपने होम स्टे वाली साइड, और पोस्ट ऑफिस अब नहीं जाएंगे यार, क्योंकि टाइम हो गया 3:30-4 बज गए, और नीचे उतरते उतरते 1 घंटा लग जाएगा अपने को, और फिर वही चक्कर होगा ना अपना कि उधर आइस जम जाएगी ऊपर पहुंचते पहुंचते, तो फिर रिस्की हो जाएगा वो बहुत। वापस काजा पहुंच चुके हैं, और ये अपना होटल है, एंड ये देखो गाड़ी का हाल, गाड़ी के टायरों तक में भी बर्फ जम चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे, और ये देखो कोन्स वगैरह सब कुछ, और ये देखो टूट भी नहीं रही भाई, ये देखो बम्पर ही हिलेगा पूरा। और यार ये लोकेशन है अपनी कुछ सामने, बहुत बर्फ़ है यहाँ पे भी, ठीक है माहौल चल बढ़िया बना हुआ है, और सामने पहाड़ों पे तो बर्फ़ हो रही है पक्का, स्नोफॉल हो रही है, एंड यहाँ पे बैठेंगे सुबह उठ के, धूप आएगी तो बहुत बढ़िया व्यू है यार, मज़ा आ गया। और ये देखो सामने वाले ये बैक साइड पे पहाड़, ये देखो रेंजेस चेक करो आप माउंटेन्स की सामने, और ये इन्होंने प्लास्टिक बॉटल से बनाया हुआ डायग्राम पूरा। गाड़ी है आपको पता ही होगा केएस फिल्म्स, और ये गाड़ी है डीजी भैया की, और
ये गाड़ी है अपनी और ये थार और वो इसुजु स्टार्ट करके रखने हैं सारी रात, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी हो चुका है -28 और सुबह कोई दिक्कत ना हो। और ये भैया है अपने, हेलो डीजी भैया, और ये भी भैया अपने साथ, और जेसन पाजी अपने भाई, बोला भी नहीं, सुबह मिलवाएंगे सभी से आपको। और मेरे लिए बहुत बढ़िया ट्रिप होगा यार, मतलब बाबा जी ने बहुत बढ़िया प्यार किया, जो बड़े भाई मिल चुके हैं हमें, और देखते हैं सुबह क्या सीन बनते हैं।